प्राइमरी इनकम सोर्स तो नहीं है, नहीं बोल सकते। अब जो साइड बिजनेस है वो मैं आप लोगों को ऐसा खुला बतला नहीं सकता हूँ। सबसे ज़्यादा दिमाग वहाँ ख़राब होता जब ट्रैफिक में इन्हें लंबा पिकअप बुलाता, क्योंकि अपने को लंबे पिकअप को कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3-4 किलोमीटर ट्रैफिक में ऐसी जाना बोले तो आप लोगों को मालूम है जैसा कि पेट्रोल तो महंगा है ही, साथ में स्विगी वाला कंपनी वाला जो है अपनी उन्हें चिंदी चोरी कर रहा, पैसे कम दे रहा। हेलो माय ट्रू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। मैं भी अच्छा हूँ। जैसे कि आज बहुत दिनों बाद अपन काम करने को निकले, ऐसा कि आप लोगों को मालूम है 10-11 दिन हो गए मेरे को व्लॉग डाले हुए। क्यों बोले तो भाई स्विगी में तो करने जैसा है नहीं, मगर आप लोगों को बतलाना है कि कैसा करूँ कैसा नहीं करूँ बोल के। तो आज जो है कि मॉर्निंग शिफ्ट में अपन निकले, मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों को बतलाएंगे कि कितनी अपनी एक 9 से 6 गवर्नमेंट जॉब के सरकार कितनी अर्निंग होती। तो आप लोग आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और पसंद आए तो सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई मॉर्निंग शिफ्ट में आज का पहला ऑर्डर यहाँ पे खिचलिया रोड नंबर 10 से। टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:59, जो कि 9 बज गए देखो, और 9 बजे से देखेंगे रात के कब तक जो है कि करते अपन शाम के या रात के, जैसा भी रहता बतला दूँ मैं आप लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा। स्विगी में जो कि मैं छोड़ने वाला हूँ, स्विगी आप लोगों को बोल दिया, मैं छोड़ ही दिया, मैं नहीं जा रहा था स्विगी में। रैपिडो का बतला दूँ मैं आप लोगों को बीच में, अभी पहले ये स्विगी के जो है कि ऑर्डर करेंगे। और इसमें ऑर्डर आईडी 0480। हेलो भाई, ऑर्डर रेडी नहीं है कहते तो वेट कर लेना पड़ता है यहाँ पे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, चलो भाई अपना ऑर्डर आ गया और टाइम हो रहे 9:06, यहाँ से पिकअप कर लेंगे ये ऑर्डर जो कि अपने को ले लेके जाना है रे अत्तापुर पहला ही ऑर्डर। और देखेंगे कितना किलोमीटर है यहाँ से, 9 किलोमीटर है और अपन ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर पिकअप करने को आए। तो अपनी गाड़ी के सर्विस के बाद से आप लोग यहाँ देखे जो है कि मैं ज़्यादा वीडियो डाला नहीं, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं डाला वीडियो, सारी सर्विस के दूसरे दिन ही काम पर गया। उसके बाद से फिर जो है सो कि स्विगी जोमैटो बोलो रैपिडो बोलो कुछ भी गया नहीं काम पे। जोमैटो का तो छोड़ दो, जोमैटो की आईडी ब्लॉक्ड है। और स्विगी में मसला ऐसा है कि दिल नहीं बोल रहा भाई काम करने का। बस क्या है आप लोगों को बतलाने के वास्ते मैं आ रहा हूँ। और कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि छोड़ दो बोल के, तो मैं स्विगी को कभी पकड़ा ही नहीं कि छोड़ दूँ बोल के। कहीं को बोले तो मेरा स्विगी जो है प्राइमरी इनकम सोर्स तो नहीं है, नहीं बोल सकते। अब जो साइड बिजनेस है वो मैं आप लोगों को ऐसा खुला बतला नहीं सकता हूँ। कभी मिला करा रास्ते में रेस्टोरेंट में तो पूछ ले सकते हैं आप लोग वहाँ क्या कर रहा हूँ बोल के। ऐसा इंटरनेट पे जो है सो कि बता के धंधा चौपट करना नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है सो कि मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ था, जो कि आज बतला दिया। तो आई होप अब आप लोग आज जो है कि कमेंट में मेरे को आके ऐसा पूछना नहीं कि भाई छोड़ दो वही कर ले रहे हैं वही कर ले रहे हैं। भाई देखो ऐसा है कि स्विगी में जोमैटो में रैपिडो में ओला उबर वोटर बोर्जो ये सब जो है जो कि जेप्टो बोलो आप लोगों को बतलाने के वास्ते मैं कर रहा हूँ। बस खाली कि आप लोग हाँ कैसा कर सकते हैं इसमें, करने जैसा है नहीं करने जैसा है, आप लोगों को हेल्पफुल होना वैसा वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो समझ लो बना रहा हूँ एक आप लोगों को डालने के वास्ते। अलग अलग शिफ्ट में करके बता रहा हूँ, अलग अलग जोन में करके बतला रहा हूँ, अलग अलग जो है सो कि टाइमिंग में, और अलग अलग पार्सल का फूड का ग्रोसरीज का एक्स्ट्रा मार्ट का हर एक चीज़ का मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। आप लोगों को समझो कि हेल्पफुल होना वैसा आपको तो हेल्प मिलना है वो चीज़ वीडियो देखे बाद कि कितना कमा सकते हैं। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो बना लिया चले गए कुछ भी बताए नहीं, जैसे अब मैं हर एक चीज़ बताता हूँ A to Z, जैसे कि अर्निंग कितनी हुई कितने घंटे में हुई कितने का पेट्रोल गया कितनी गाड़ी चली पूरे चीज़ा मैं आप लोगों को बतलाता हूँ मैं मेरे वीडियो में, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं 10 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, ये 10 दिन बाद आया। वो भी क्या है मेरे को टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग का, वीडियो तो बन जाएगा भाई समझो मैं ड्यूटी पर आया अभी निकला और लॉग इन करा मैं शाम को और रात को जो है कि इसे हल्लू उल्लू बना लिए वीडियो चलो, लेकिन वो एडिटिंग करने का टाइम है ना वो निकालना पड़ रहा मेरे को बहुत टाइम से। क्यों बोले तो ये टाइम है ना जो ये ऐसा जा रहा आजकल, ऐसा गुजर जा रहा, ऐसा दौड़ जा रहा चले जा रहा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब सुबह हो रही, कब रात हो रही, कब दिन हो रहा, कब क्या हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कह सकते कुल मिला के भाई की समझो कि हालत खुपा है, टाइम कुछ भी मिल नहीं रहा अपने को एडिटिंग के वास्ते, तो एक दो घंटा तीन घंटा लगता निकाल के एडिटिंग कर लेना पड़ रहा। तो चलिए अब ये जो इसके ऑर्डर लेके जाएंगे और देखेंगे जो कि अपने को ये इसके ऑर्डर के पैसे कितने मिलते हैं अपने को। आप लोग हाँ पूरा वीडियो लास्ट से देखिए। देखिए पहले ऑर्डर पे गाड़ी चली हुई है अपनी 421 पे है, 420 याद करके ले लेंगे। लास्ट से देखेंगे कितनी गाड़ी चलती और कितना पेट्रोल लगता। आप लोग हाँ पूरा वीडियो लास्ट से देखिए भाई प्लीज़। थैंक यू। तो पहला ऑर्डर डिलीवर करें यहाँ आतापुर में, 94 रुपीस मिले इसको अपने को, जिसमें 12 रुपये सर्ज है, 2 रुपये वेट टाइम है और 35 रुपये 5 मिनट वेट करे बाद मिलते कहते। बड़ी बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे गाड़ी बाहर पार्क करके कम से कम एक आधा किलोमीटर तो हो ही जाता आना जाना पैदल, लिफ्ट के वास्ते वेट करना, गेट पे एंट्री करना, टाइम भी चले जाता अपना और एफर्ट भी रहता। बट चलो पहला ऑर्डर डिलीवर करें अपन, इसके जो है कि 35 रुपीज़ अपने को रिटर्न बोनस मिले। ऑर्डर नहीं डालेंगे, अब रिटर्न बोनस डाल दिया तो हल्लू उल्लू चले जाना है जोन की तरफ। तो भाई अपन वहाँ से अत्तापुर से हल्लू उल्लू आ गए हम आसप टैंक। देखो अपने को ऑर्डर डाला कहाँ का, भीमास ग्रैंड का, यहाँ से रोड नंबर 10 पे है, वो पिकअप करने जाना है देखो। और जो इससे पहले अपन देने गए वो भी फर्स्ट माइल बहुत ज़्यादा था, 3-3.5 किलोमीटर का पिकअप दे रहा। दिमाग भी यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा दिमाग वहाँ ख़राब होता जब ट्रैफिक में इन्हें लंबा पिकअप बुलाता, क्योंकि अपने को लंबे पिकअप को कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3-4 किलोमीटर ट्रैफिक में ऐसे जाना बोले तो एक 15-20 मिनट खाली पिकअप करने को लग जाते, टाइम ख़राब होता, पैसे कुछ नहीं मिलते, खाली बस खून जलता, वैसा दिल बोलता भाई बस। तो भाई यहाँ भीमा से ऑर्डर पिकअप कर लिए अपन, टाइम हो रहा है 9:59। अपने को पूरा एक घंटा लगा एक ऑर्डर करने में, अत्तापुर जाने में, वहाँ डिलीवर करने में, फिर वापस यहाँ पे आने में, खाली रोड नंबर 10 पे, जो कि आप वहाँ देखे थे रोड नंबर 10 से ही अपन ये ऑर्डर ले लेके गए थे अत्तापुर, और ये यहाँ देना है। खैर तो बातें चलो ऑर्डर करेंगे अब जो है कि देखेंगे जो है कि कितनी अर्निंग होती है अपनी। आप लोगों को पूरी चीज़ बतलाने की कोशिश करता हूँ मैं। थैंक यू। तो भाई आइए नाश्ता कर लेंगे, एक डोसा बनाने लगा दिया था, और नाश्ता करे बाद जो है कि फिर ऑर्डरों पे निकलेंगे। थैंक यू। भाई 11 बजे के बाद से अपने को कुछ भी सहज वहज नहीं ले रहा था, और अपने को 20-25 रुपये में यहाँ पे बैच ऑर्डर लगा के भेज दिया विद्यानगर। तो अपन विद्यानगर से यहाँ पे कावर्ची आरटीसी क्रॉस रोड करें ठहरे हुए है, टाइम हो रहे हैं 12 बज गए। तो सुबह आने का मतलब ये है कि 9 से 12 घंटे में 3 घंटे की अपनी लॉगिन हिस्ट्री हो गई देखिए यहाँ पे, और 269 अर्निंग हुई, 5 ऑर्डर हुए। अब ऑर्डर नहीं डाल रहा, 12 बजे के बाद डालता या नहीं डालता, या अपने जोन में गए बाद डालता या कब डालता वो नहीं मालूम। अपन अपन यहाँ बैठे हुए एक 10 मिनट और बैठेंगे, 12:10 तक बैठेंगे, अभी 11:57 हो रहे हैं, नहीं डालेंगे तो फिर अपन जोन में जाएंगे। तो भाई यहाँ ठहरे टाइम हो गए हैं 12:12, अब यहाँ से निकलेंगे, ऑर्डर नहीं डाल रहा, समझा कि बावर्ची से डालेंगे तो खाली जोमेटो को ही ऑर्डर डाल दे रहा, जोमेटो वाले लेके चले जा रहे हैं अपना ऑर्डर। स्विगी का पूछा मैं, ऑन है बोले तो हाँ ऑन है, ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है भी तो ये जोन के जो बच्चे है वो ले लेके जा रहे हैं। अब अपने को नहीं डाल रहा तो अपन हल्लू यहाँ से अब निकलेंगे, लकड़ी का पुल गए तो लग हो सकेगा कि डालता। बहरहाल चलिए अब यहाँ से जाएंगे, अपनी गाड़ी भी एक चल चुकी 35 किलोमीटर, 9 से 12 की ड्यूटी का बता दिया मैं, अब देखेंगे 12 से 6 बजे तक कितनी अपनी अर्निंग होती। आप लोग हाँ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। हाँ 1-2-5-9। तो भाई वहाँ से आते आते फ्लाईओवर पे थे अपन, तो ऑर्डर डाला यहाँ का, ये कौन सा कि जंपानी पिकल्स बोल के है, पिलवा भी आधा घंटा बिठा दिया, आधा घंटा नहीं 20 मिनट बिठा दिए रेडी मार के। अब देखो ये ऑर्डर अपने को ले लेके जाना है यहाँ से अत्तापुर, जो कि आप लोग वहाँ देखे थे पहला ऑर्डर अपन लेके गए थे रोड नंबर 10 से अत्तापुर, जिसको कि अपने को 93 दिया था, 9 किलोमीटर था, ये भी यहाँ से 9 किलोमीटर ही है।
तो अत्तापुर चलेंगे। अब देखो ऐसा लंबा लंबा ऑर्डर रहा तो दिक्कत क्या है अपने को, ऑर्डर्स कम होते हैं तो टारगेट जल्दी नहीं पूरा होता। इंसेंटिव का जो टारगेट है 27 ऑर्डरों का है, फिर उसके बाद 34 ऑर्डरों का है, तो अपने को ऑर्डर पीछे इंसेंटिव दे रहा है, यानी अर्निंग के ऊपर नहीं दे रहा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपने को जब ऑर्डर ही नहीं होंगे ज़्यादा तो इंसेंटिव नहीं आएगा। तो बहरहाल चलिए जो है कि जाके डिलीवर करेंगे गाड़ी में, पेट्रोल भी ख़त्म ही है, ख़त्म दलाना है। कैश ऑन डिलीवरी आया तो दला लेंगे सोचा था, अगर कैश ऑन डिलीवरी सुबह से नहीं आए आप दला लेना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई, हल्लू हल्लू सुबह के टाइम थोड़ी कम थी, मगर अब सैटरडे है तो मालूम है आप लोगों को कैसी ट्रैफिक रहती। थैंक यू। तो भाई अत्तापुर पे ऑर्डर तो डिलीवर कर दिए, पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म पर है, कहीं भी रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती तो पहले आइए पेट्रोल लगा लेंगे। और कैश ऑन डिलीवरी आ ही नहीं रहा कि मैं जो है कि कैश दे के पेट्रोल डलाऊँ, बट चलो ऑनलाइन ही पे करके डला लेना पड़ेगा अपने को। 210 का डालो, 210। कैमरा है वो हाथ को लगा रहे। उंगली डाल दे रहे हैं तुम। हो गया देखो, चलो भाई पेट्रोल डला लिए, हवा भी डलाना था मगर ठीक टाइम चल रहा, ऑर्डर करना है। चलिए बहरहाल बाद में डला लेंगे, देखेंगे जो है कि कब तक अपनी ड्यूटी होती, कितने ऑर्डर होते, कितनी अर्निंग होती और कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल जाता, हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ सुबह की ड्यूटी से लेके रात तक। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो भाई अत्तापुर से आते आते मेदीपट्टनम तलक जो है कि ऑर्डर नहीं डाला, तो अपन यहाँ खाना खाने बैठ गए थे, और खाना खाने बैठे तो ऑर्डर डाला अपने को, लेकिन कहाँ का डाला, जस्ट पराठा कहाँ पे है, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे है, और मैं यहाँ मुरादनगर मेदीपट्टनम पे था। देखो यहाँ से जो कि है 4 किलोमीटर। अब ऐसा बेभरा जो है कि इन्हें पिकअप बुलाएंगा ट्रैफिक में तो टाइम तो लगेगा ना भाई अपने को जाने को, वहाँ पे पिकअप करने को, फिर जो है कि डिलीवर करने को। उसका भी जो है कि बैठा हुआ हूँ यहाँ पे तो कस्टमर कॉल कर रहे हैं, अरे कहाँ है, एक ही जगह बैठे हुए है, अब क्या दिख रहा, मैं खाना खा रहा हूँ। तो खाना खा लिया, अब अपन पिकअप करने जा रहे हैं। अभी यहाँ से 15-14 मिनट बता रहा पिकअप को, और वो भी एक नहीं डाला, अगर सिंगल रहता था तो मैं रिजेक्ट मार देता था। इसकी होशियारी क्या है वो आप लोग देखो, इन्हें मल्टीपल लगा दिया, दो ऑर्डर लगा दिया, तो क्या है रिजेक्ट नहीं मार सकते। एक रहा तो एक मार के चलो खामोश बंद कर देते थे या खाना खा लेते थे, लेकिन दो लगाया तब दो तो रिजेक्ट नहीं मार सकते ना अपन। तो भाई ये दोनों ऑर्डर पिकअप कर लिए अपन यहाँ जसपराडा पे आके, लंबे लंबे ऑर्डर रहे तो क्या है, टाइम ख़राब होता ट्रैफिक में पिकअप करने के वास्ते, तो ऑर्डर्स नहीं कर सकते भाई। चलो ऑर्डर करेंगे अब, ये डिलीवर करे बाद जो है कि देखिए टाइम हो रहे हैं 2:30 बज गए, देखेंगे जो है कि 6 बजे तक कितनी अपनी अर्निंग होती है। थैंक यू। तो भाई शाम के 4:00 बज के गए, 4:15 हो रहे हैं, और अब जो है कि 4 बजे के बाद से इन्हें जो है ना सर्च वगैरह निकाल देता तो देखिए अब लॉन्ग ऑर्डर को कितने दे रहा है इन्हें, 59 रुपीज़, जो कि वहाँ से रिटर्न बोनस ही खाली 27 बता रहा, मतलब 27 और 59 में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। मतलब मेरे को लेके जाना है लंबा और तो मेरे को 59 रुपीज़ मिल रहे हैं, 9 किलोमीटर का रहता, अब उधर से आने के 27 रुपीज़ दे रहा, तो 20 रुपये का ही ऑर्डर है ये, मतलब मिनिमम 20 रुपये के ऑर्डर रहते अगर सर्च नहीं रहा तो, सर्च रहा तो वही 9 रुपये ऐड कर लो उसमें, 29 के हो जाता। तो चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, अब करेंगे 4 बजे के बाद सर्च हटा दिया, देखेंगे जो है कि क्या होता है भाई, मेरे को तो दिल नहीं बोल रहा भाई सब करने का काम। थैंक यू। तो भाई शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:40 हो रहे हैं, और अभी अपन यहाँ बाजार गार्ड पे थे, बाजार गार्ड और कराची बेकरी बंजारा हिल्स पे रोड नंबर 1 का कितना फ़र्क है, 4 किलोमीटर है देखो यहाँ से, और अंदर अंदर से मेन रोड से तो ट्रैफिक रह रही कैसा, अभी देखो पूरा लाल लाल रह रहा, लेकिन अपने को पिकअप करने 4 किलोमीटर जाना है, फिर वहाँ से अत्तापुर जो कि आप लोग देख रहे वीडियो में, सुबह से ये मेरा तीसरा चौथा टर्न है,
एक लंगर हाउस का उसके आसपास का था। तो ये चौथा टर्न है मेरा अत्तापुर का, देखो जो कि कराची बेकरी, पहले 4 किलोमीटर पिकअप जाना है, फिर वहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर अत्तापुर है वहाँ जाना है, जो कि ट्रैफिक, जो ये ट्रैफिक है ना इसकी वजह से क्या हो रहा, पिकअप करने जाने को टाइम जा रहा, फिर वहाँ से डिलीवर करने को टाइम जा रहा, फिर वहाँ से खाली भी आना पड़ रहा, ये मेन बात है। खाली आए तो भी उसके उसमें गाड़ी ज़्यादा चलती, पेट्रोल ज़्यादा जाता, और आप लोगों को मालूम है जैसा कि पेट्रोल तो महंगा है ही, साथ में स्विगी वाला कंपनी वाला जो है अपनी, उन्हें चिंदी चोरी कर रहा, पैसे कम दे रहा। तो कहने का मतलब ये कि भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा चली कुल मिला के, देखिए 526 पे हो गया मीटर घर से निकलते वक्त, 420 पे था, तो ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी। अब यहाँ से समझो एक 10-12 किलोमीटर और चलती, फिर वहाँ से आना है 8 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर और चलने वाली है, तो एक समझो कि टोटल 125-130 किलोमीटर गाड़ी चल जाएंगी अपनी। क्यों बोले तो ये लास्ट ऑर्डर रहेगा मेरा, अब ये डिलीवर करे बाद जो है कि खामोश ड्यूटी बंद कर रहे तो हमारे, क्यों बोले तो बस हो गया, इंसान पागल हो जाएगा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में काम करेगा तो, ये स्विगी की वजह से जो कि इन्हें जैसा ऑर्डर दे रहा, मैं बहुत सब्र करके कर रहा हूँ। कहीं को बोले तो 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तो मिनिमम रह ही रहा पिकअप, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ तैबा है, चलो तैबा का डाल दिया, यहाँ से पिकअप करके 5-6 किलोमीटर जाके देना है, वैसा नहीं है। यहाँ हूँ मैं तो मेरे को यहाँ से सर्वी का बुलाएंगा, रोड नंबर 11, यहाँ हूँ मैं तो यहाँ से मेरे को पंजाकुट्टा मेरिडियन का बुला लेंगे पिकअप करने को, यहाँ हूँ मैं तो यहाँ से मेरे को जहाँ बोले वहाँ का बुला ले रहा भाई पिकअप करने को। मतलब गाड़ी ज़्यादा चल रही, उसमें क्या ज़्यादा पेट्रोल जाता, अर्निंग कम हो रही, तो आप लोगों को एक पूरा हिसाब बता दूँ मैं अभी, ये ऑर्डर डिलीवर करे बात करें तो जाएंगे पिकअप करने, फिर डिलीवर करेंगे। A few minutes later. अरे खोल दे रहे बाप, कहीं को फोन करे बाद भी फिर नहीं खोल रहे हैं। कंट्रोल 977। तो ये ऑर्डर डिलीवर मार्क करेंगे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, 977 कैश लेना था। यहाँ से रिटर्न बोनस देता कि ऑर्डर डाल देता मालूम नहीं, ऑर्डर भी डाल सकता ये टाइम पे, 12 रुपये वैसे रिटर्न बोनस देता कहते, 80 रुपये ऑर्डर के पैसे दिया। बट बहरहाल आप लोगों को मैं बतला देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इंसेंटिव का देखिए आप लोगों को, यहाँ पे 135 रुपीस का जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। सुबह 9 बजे से अब तक 18 ऑर्डर हो गए, 27 ऑर्डर नहीं होते, कैसा भी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टारगेट ही देता क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, फिर लॉन्ग पिकअप है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस है सुबह से, तो ऑर्डर्स कहाँ से होंगे। 979 अपनी अर्निंग हुई, 9 घंटे 42 मिनट ऑलमोस्ट 10 घंटे की ड्यूटी हुई, 18 ऑर्डर हुए, और गाड़ी का मीटर है 534 पे, 115 किलोमीटर गाड़ी चली अपनी, और 115 किलोमीटर को सीधा सीधा 250 का पेट्रोल चले गया, तो ज़्यादा गाड़ी चल जा रही भाई, 100 किलोमीटर पे 1000 रुपये की अर्निंग होती थी, खाली अर्निंग बोल रहा हूँ मैं, 40 रुपये माइनस, फिर उसके बाद पेट्रोल लगाए 210 रुपये का, लेकिन अपन जितना पेट्रोल जलाए गाड़ी पे उत्ते का हिसाब रखेंगे, 250 का पेट्रोल माइनस कर दो, 2 बजे लंच करे थे 105 रुपये का माइनस कर दो, तो अपनी एक 10 घंटे की 719 रुपये अर्निंग हो गई। देखिए जो कि आज सैटरडे था, जैसा कि वीकेंड पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे, आम दिनों में इतना भी नहीं होता, 400-500 रुपये की अर्निंग होती एक 10 घंटे में। तो अब क्या बोलूं, बहरहाल बस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो भाई सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, खुदा हाफिज, मा सलाम। और अब जो है सो की क्या बोलने वाला था मैं भूल गया।